नमस्कार, मैं रेणुका। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको हरी मिर्ची से बनी एक बहुत ही टेस्टी ऐसी बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। तो यकीन मानिए, आप ये रेसिपी बनाने के बाद हरी मिर्च का अचार और चटनी भूल जाओगे। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ हरी मिर्ची ली है। तो सबसे पहले अभी हमें इन्हें कट करना है, तो उसके लिए मैंने एक चाकू लिया है। तो अभी हमें इन हरी मिर्च को ऐसे दो पीस में कट करना है। तो इसी तरह ही हमें ये सारी हरी मिर्च को कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने सारी हरी मिर्च कट कर ली है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस पे एक बर्तन रखना है और उसमें हमें एक चम्मच तेल डालना है। फिर तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हमें इसमें आधा चम्मच राई डालनी है और इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फिर राई अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद हमें इसमें एक कट किया हुआ प्याज डालना है। तो मैंने यहाँ प्याज को लंबे साइज में कट किया है, तो आप यहाँ प्याज छोटे साइज में भी कट कर सकते हो। तो अभी हमें इस प्याज को इस तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अभी यहाँ ये प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। फिर हमें इसमें कट की हुई सारी हरी मिर्ची डालनी है और इन हरी मिर्च को भी इस तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद अभी हमें इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालनी है। फिर हमें इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डालना है। फिर उसके बाद हमें इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है। फिर हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर डालनी है, तो ये ऑप्शनल है क्योंकि ये हरी मिर्च की रेसिपी है, तो हरी मिर्च तो तीखी ही रहती है। फिर हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और अभी हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो इन हरी मिर्च को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अभी यहाँ ये हरी मिर्च भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को चटपटा बनाना चाहते हो तो आप इसमें आधा नींबू का जूस भी डाल सकते हो। और अभी ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इस फ्राई की हुई हरी मिर्च को खाना खाते वक्त एक अचार या चटनी की तरह सर्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तो थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।